I'm Tara Sharma Saluja and welcome to my show. इस एपिसोड में देखेंगे कैसे होती है बच्चे के नामकरण की खुशी. बच्चे के कान में हम लोग उसका नाम बोल के एक तरीके का साउंड बनाते हैं करके. एक विजिट जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्री में, स्पेशल बच्चों का खास इवेंट और एक नई माँ से बातचीत. मैं जब से 10 साल की थी मुझे माँ बनना था. मैंने डॉक्टर से कहा मैं ये फिर से कर सकती हूँ. बच्चे के जन्म लेते ही आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स अपने पसंद के नाम का सुझाव देने लगते हैं. बच्चे के प्रति अपना प्यार जताने का ये भी एक तरीका होता है. कई सारे कल्चर्स में तो नामकरण या नेमिंग सेरेमनी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है. मेरी दोस्त ख्याति की बेटी का जब नामकरण हुआ तो मैं जैन और काय को साथ लेकर गई. ख्याति हमारे ही बिल्डिंग में रहती है और ये सेलिब्रेशन भी हमारे बिल्डिंग के ही गार्डन में हुआ. ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बॉम्बे शहर में इतने इतने अलग किस्म के लोग रहते हैं, इतने अलग ट्रेडिशंस और कस्टम्स देखने को मिलता है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड सो आर द किड्स. नामकरण सेरेमनी में फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाया गया. आखिर बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि हमारे आसपास अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं और सबका अपना तरीका है. नामकरण सेरेमनी महाराष्ट्रन तरीके से किया गया. कोई भी जब अच्छा मुहूर्त देके नाम निकालते हैं, हम 5 नाम देते हैं. कोई भी भगवान का नाम, माता जी का नाम कोई भी देते हैं और फिर उसका जो ओरिजिनल नाम रहता है वो हम बोलते हैं. और ऐसे होता है इतना सेलिब्रेशन के नहीं, साथ सब लोग को अपनी अपनी या सब लोग को अपनी तारा सब लोग को अपनी अपनी मर्जी रहती है. छोटी बेबी को पालने में झुलाया गया और गाने गाए गए. घर परिवार के सब लोग इस सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं और बच्चे को कुछ नाम दिए जाते हैं जिसमें से एक नाम चुना जाता है. बच्चे के कान में हम लोग उसका नाम बोल के एक तरीके का साउंड बनाते हैं करके और फिर सब हमको मारते हैं पीछे से. इट्स अ स्वीट सिंपल सेरेमनी एंड देन इट बिकम्स ऑफिशियल. ओके, हर नेम इज बनाया जस्ट फॉर एवरीबॉडी. ओके, ये जैन और काय के लिए अनोखा एक्सपीरियंस रहा. She's been named today as Banaya by my husband's sisters. And यही importance होता है and it's just a get together. It's a feeling can't describe. बहुत बहुत खुश हूँ. Just I'm speechless. You can imagine. I'm very very happy. परिवार के लोग, दोस्त और रिश्तेदारों का ऐसे सेरेमनी में आना और बच्चे को ब्लेसिंग देना बहुत शुभ माना जाता है. माँ होने की खुशी एक अलग ही खुशी होती है जो आज ख्याति के चेहरे पर भी दिखी. हम सब अलग अलग हैं, पर माँ होने का एहसास शायद एक जैसा ही होता है. जैन और काय जब मुझे आकर प्यार जताते हैं तो मेरे लिए इससे अच्छा और कोई एहसास नहीं. I love my mommy. Oh, thank you. Because she gives me everything that I want. Thank you. As a parent, मेरी कोशिश रही है कि बच्चों को सही values दी जाए. आखिर यही तो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है. एंड योर चिल्ड्रन आर सो लवली. कारण कभी भी मिलते तो बात करते हैं. मैंने एक दफे आपके मन में मैं से पूछा कि भैया सबके साथ बात कैसे करते हैं, तो हमारे यहाँ काफ़ी चिल्ड्रन बात नहीं करते, भाग जाते, हेलो भी नहीं कहते. ये तो सब कुछ करते हैं. अपने बड़ों से शाबाशी मिले तो अच्छा लगता है, पर जब बच्चों की तारीफ हो तो ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इससे तसल्ली मिलती है कि एज अ मदर जिस रास्ते पर मैं जा रही हूँ वो सही है. बच्चों का नाम हर पेरेंट के लिए स्पेशल होता है. रूपक और मैंने प्रेगनेंसी के समय ही होने वाले लड़के या लड़की के लिए अपने पसंदीदा नाम चूज करके रखे और जब हमारा पहला बेटा हुआ तो हमें अपनी चॉइस जेन फैमिली के साथ शेयर की. हम चाहते थे कि हमारे पसंदीदा नाम दुनिया भर में बोलने में आसान होने चाहिए, इसलिए हमने दूसरे बेटे का नाम काय रखा.
जैन संस्कृत शब्द ध्यान से उद्भव हुआ है और काय के लिए कई लैंग्वेजेस में अलग अलग मीनिंग है, जैसे जापानीज में महासागर, हवाईन में क्रेस्ट ऑफ अ वेव और यूरोबा में प्यार। मजेदार बात यह है कि आगे चलकर पता चला कि जापानीज में काइजेन एक सिद्धांत है जिसका मतलब है लगातार सुधार करते रहना, और ज़ेन काय का मतलब है कुछ भी चीज पूरी तरह से करना। आगे ढूंढेंगे जवाब हर माँ के सवालों का जॉनसन एंड जॉनसन फैक्ट्री विजिट में। बच्चे के स्किन एडल्ट स्किन से 3 गुना पतला होता है। यू रियली रिक्वायर अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एंड दैट्स व्हाट जॉनसन एंड जॉनसन स्पेशलाइजेस इन। बच्चों से जुड़ी बातें, मिस्टर बैटमैन व्हाट आर यू ईटिंग, और स्पेशल बच्चों का खास इवेंट। माँ की जान अपने बच्चे से जुड़ी होती है। बच्चे की स्किन पर एक रैश या एक खरोच से जितना परेशान बच्चा होता है, उससे ज्यादा परेशान माँ होती है। इसलिए एक माँ होने के नाते जब मुझे मौका मिला जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्री विजिट का, तो मैं झट तैयार हो गई। आखिर मुझे भी जानना है कि बरसों से यूज किए जाने वाले इन प्रोडक्ट्स की खास बात क्या है। मुंबई के मुलुंड में जॉनसन एंड जॉनसन की बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो 1959 में बनी थी, और आज जॉनसन बेबी के कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो सवाल लेकर मैं आई हूँ उनके जवाब मुझे मिलेंगे। Why do we have to have अलग प्रोडक्ट्स फॉर बेबीज? Actually, this is a very good question. बच्चे का स्किन एडल्ट स्किन से 3 गुना पतला होता है। इट्स थिनर बाय 3 times. Really? And because it is thinner, it is always prone to losing moisture. That much faster. Right. उससे क्या होता है कि स्किन जो है काफ़ी ड्राई हो जाता है, और ड्राई स्किन जो है इरिटेशन और हर्ट के लिए बहुत प्रोन हो जाता है। बिकॉज द स्किन इज सो डेलिकेट, यू रियली रिक्वायर अ वेरी स्पेशलाइज प्रोडक्ट एंड दैट्स वॉट जॉनसन एंड जॉनसन स्पेशलाइजेस इन। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए क्या प्रोडक्ट जरूरी है, इसका जवाब माओ से ही पता चलता है। हम लोग हजारों माओं से और अराउंड द ग्लोब बात करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर कि उनको क्या चाहिए, और ये जो उनकी इंसाइट्स है वो हम लोग अपने लेबोरेटरीज़ में लाते हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम लोग प्रोटोटाइप्स पहले क्रिएट करते हैं, और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेजेस हम लोग इसको फिर से माँ के पास लेके जाते हैं, उनसे चेक करते रहते हैं कि इज़ दिस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो जाहिर है इन सब के लिए एक वेल इक्विप्ड यूटिलिटी की ज़रूरत भी पड़ेगी। मुझे जॉनसन एंड जॉनसन के लैब को देखने का मौका मिला। यहाँ की लैबोरेटरीज काफी सोफिस्टिकेटेड है, और यहाँ का इंस्ट्रूमेंटेशन इतना एडवांस्ड है कि इनकी तुलना किसी मेडिकल फैसिलिटी से की जा सकती है। जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स के फ्रेग्रेंसेस को बच्चों के हिसाब से काफी माइल्ड रखा जाता है। हमने अपने फ्रेग्रेंसेस को काफी माइल्ड बनाया है, येट रिफ्रेशिंग है। इसीलिए माइल्डनेस इसलिए होता है कि क्योंकि ये जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं इनकी डिज़ाइन में बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज़ करते हैं, और अगर आप ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज़ करते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिकल्स बहुत इरिटेंट भी होते हैं। इसीलिए हम इन फ्रेग्रेंसेस को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट की तरह से वो भी माइल्ड रहें। इनफैक्ट J&J का एक इंटरनल रिक्वायरमेंट है वाइल्ड डेवलपिंग फ्रेग्रेंसेस, वी हैव गॉट अ नेगेटिव लिस्ट जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के फ्रेग्रेंस में मिलेंगे हमारे प्रोडक्ट में नहीं आ सकते, और इस तरीके से बहुत ही स्पेशलाइज्ड फ्रेग्रेंस हम लोग डेवलप करते हैं हमारे बेबी प्रोडक्ट्स के लिए। जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट्स बहुत माइल्ड और जेंटल होते हैं, और इनको बनाने से पहले रिगरस टेस्टिंग की जाती है और सारे सेफ्टी मेजर्स पर जब वो खरे उतरते हैं तब उन्हें क्लिनिकली प्रूवन माइल्डनेस और नो मोर टीयर्स का स्टैंप दिया जाता है। यहाँ वाकई प्यूरिटी और कॉम्पोजिशन का खास ध्यान रखा जाता है। लैब के बाद हम फैक्ट्री विजिट के लिए निकले ताकि हम देख सके डिफरेंट प्रोसेसेस, पर कॉरिडोर में मेरी नजर पड़ी काइजेन पर। ये जॉनसन एंड जॉनसन के सिद्धांतों में से एक है जिसका मतलब है लगातार सुधार करते रहे। फैक्ट्री में भी हाइजीन और सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है। विजिटर्स के लिए रूल्स हैं, बाल बंधे होने चाहिए, प्लास्टिक रैप्स शूज पर, और सिर पर प्लास्टिक कैप्स, 100% फूल प्रूफ। हमने लिया नजारा कि किस सेफ्टी और प्यूरिटी के साथ टैल्कम पाउडर को बनाया जाता है।
किसी भी तरह के कंटेमिनेशन से सेव रखने के लिए टैल्क का स्टोरेज स्टैंडर्ड काफी हाई है। जैसे कि आप किसी नवजात शिशु को उबला हुआ पानी पिलाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए ताकि उसमें कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहे, इसी प्रकार से टैल्क को भी स्टीम स्टरलाइज किया जाता है घंटों ताकि उसके अंदर के सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स न रहें उसमें और बच्चे के ऊपर किसी तरह का बुरा असर न पड़े उसके स्किन पर। बॉटल्स की पैकेजिंग होते देखने में बहुत मजा आया। जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्री विजिट में हमने बहुत कुछ देखा और जाना। एज अ मदर मैं और भी निश्चिंत हो गई कि जो प्रोडक्ट्स मैं अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हूँ वो भरोसेमंद है, प्योर है और प्रूवन है। तो आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। वी बीन एट द जॉनसन एंड जॉनसन फैक्ट्री। थैंक यू सो मच मिस्टर शुक्ला एंड मिस्टर सिंह। वेरी इंटरेस्टिंग, वी लर्नड अ लॉट। फैक्ट्री विजिट से जब मैं वापस आई तो जेन को मैंने नया लैब कोट, ग्लासेस और कैप दिए। वो उनको पहनकर साइंटिस्ट बनकर दिन भर घूमता रहा। उसे अलग अलग रोल प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। वो कभी स्पाइडरमैन बनता है, घर पर बैटमैन का ड्रेस पहनकर रहता है। मिस्टर बैटमैन, व्हाट आर यू ईटिंग? फिर लायन के कॉस्ट्यूम में लायन। और तो कभी डॉक्टर ये एक फन तरीका होता है बच्चों को अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में जानने और सीखने का। सोशल मीडिया पर हर रोज आपके ढेर सारे सवाल मुझे मिलते रहते हैं। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। मुंबई से प्रिया ने पूछा है कि क्या बच्चों के नेल्स काटने के लिए बड़ों का नेल काटर यूज कर सकते हैं? प्रिया, बच्चों के फिंगर्स और नेल्स बहुत ही नाजुक होते हैं, साथ में वो खामोशी से बैठते भी तो नहीं, इसलिए उन्हें चोट लगने का डर भी रहता है। आजकल बच्चों के लिए छोटे छोटे नेल सीजर्स और नेल काटर्स मिलने लगे हैं। साथ में मेरा रेकमेंडेशन है, ये छोटे छोटे सीजर बहुत ही यूजफुल है बच्चे के नेल्स काटने के लिए, नाखून काटने के लिए, क्योंकि उनके नाखून इतने छोटे हैं कि मैंने देखा बहुत ट्रायल और एरर से कि ये छोटे सीजर्स जो है बहुत यूजफुल है। Ben is going to school, क्योंकि काफी स्क्रैच होते हैं छोटे बच्चों। स्कूल जाना है, स्कूल जाना है अभी। हाँ। पसंद है स्कूल? हाँ। चलो रन रन रन, लेट्स गो, वी गॉट टू टेक टू स्कूल, कम ऑन जैन, स्कूल स्कूल स्कूल, कम ऑन स्कूल जैन। आगे देखेंगे स्पेशल बच्चों का खास इवेंट। और कैसा होता है माँ बनने का एक्सपीरियंस, जानेंगे एक और माँ से। मैं जब से 10 साल की थी मुझे माँ बनना था। मैंने डॉक्टर से कहा मैं ये फिर से कर सकती हूँ। हर पेरेंट की कोशिश रहती है कि अपने बच्चों के परवरिश में कोई कसर ना रह जाए। सब अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपने बेस्ट एफर्ट देते हैं और अब अवेयरनेस बढ़ रही है जिससे कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को स्पेशल नीड्स होती है अब वो भी अपने बच्चों को सही केयर और एजुकेशन दे सकते हैं। ये मैंने देखा मेरे दोस्त डॉक्टर जिराक माका की एकेडमी JBCN पैन एकेडमी के फंक्शन में जाकर। ये एक स्पेशल स्कूल है जो उन बच्चों को एडुकेट करता है जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज है। मैं जैन और काय को भी वहाँ लेकर गई। मैं उन्हें हर ऐसे ओकेजन में शामिल करती हूँ। इस इवेंट में बच्चों ने अपने टैलेंट्स दिखाए, स्टेज पर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, जो ना सिर्फ उनके लिए पर पेरेंट्स के लिए और बाकी लोगों के लिए भी ये एक विनिंग मोमेंट रहा। इस स्कूल
स्कूल में टीचर्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों की स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखने के लिए चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट्स और अलग अलग तरह के थेरेपिस्ट्स भी हैं। हर बच्चा यूनिक है और उसके यूनिकनेस को हमें समझना चाहिए और चेरिश करना चाहिए। You weren't like other children, and God was well aware. You needed a caring family with love enough to share. And so He sent you to us. And much to our surprise, you haven't been a challenge, but a blessing in disguise. यहाँ मुझे डॉक्टर ज़िराक की कही बात का मतलब समझ में आया कि स्पेशल नीड्स का मतलब सिर्फ मेंटली चैलेंज्ड होना नहीं होता। वो बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, आज JBCN पैन एकेडमी जैसे स्कूल में भेजकर पेरेंट्स एक स्पेशल केयर और एजुकेशन इंश्योर कर सकते हैं। इस इवेंट में ज़ेन और काय के साथ शामिल होना मेरे लिए बहुत फुलफिलिंग रहा और उन्होंने इसे बहुत इंजॉय किया। हर माँ में कॉमन है बच्चों के प्रति इमोशंस, पर फिर भी हर माँ अलग है क्योंकि उनकी चॉइसेस, एक्सपीरियंसेस और लाइफ अलग होती है। इस शो के जरिए मैंने अपनी ही नहीं पर कई माओं की लाइफ और उनके व्यूज को शेयर करने की कोशिश की है। मैंने बात की अपने बहुत अच्छे दोस्त शाज़मीन लॉयर से, जो एक स्टे एट होम मम है और माँ बनने के अपने हर पल को चेरिश कर रही है। मैं जब से 10 साल की थी मुझे माँ बनना था एंड फाइनली दिस ड्रीम केम ट्रू 4 months अगो। आई गॉट मैरिड लास्ट इन 2011 एंड विद इन 2 months आई वॉज प्रेगनेंट एंड आई वॉज ओवर द मून। एवरीथिंग अबाउट इट वॉज एक्साइटिंग। आई वॉज वेरी सिक व्हेन आई गॉट प्रेगनेंट। डिफिकल्ट प्रेगनेंसी भी हो गई थी, मेरा प्लेसेंटा लो था, मैं बेड रेस्ट पे थी, मगर 9 महीने के बाद जब मेरी छोटी सी बेटी सोफिया मेरी जिंदगी में आई, मैं सब कुछ भूल गई। ऑपरेशन टेबल पे मैंने डॉक्टर से कहा मैं ये फिर से कर सकती हूँ। लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ चाइल्ड। या एंड आई थिंक यू कांट नो दैट टिल यू एक्सपीरियंस इट। यू नो आई थिंक व्हाटएवर वी से बिफोर, वो एहसास जब एक्चुअली वो छोटा बच्चा हाथ में आता है, इट्स जस्ट ओवरवेलमिंग एंड अनबिलीवेबल। इट इज, everybody says oh it's the best feeling, it's the most amazing feeling, but really truly it's the most unconditional selfless feeling that I have ever felt in my life. To shazu pehle aap kaam karti thi aur abhi sofia ke aane ke baad aap ghar pe hai and you are a stay at home mom. Do you miss working? Do you want to work or what is your feeling? I don't miss working at all. meri zindagi mein maine bahut si cheeze ki hai. Maine photography kiya था, मैं एडवर्टाइजिंग में थी लंदन में, फिर मैं वापस गई, आई डिड अ कल्नरी कोर्स, अब मैं प्रोफेशनल शेफ हूँ और आई एम अ स्टे एट होम मॉम एंड मैं ये सफ़र मैं बिल्कुल ऐसे ही बिताना चाहती हूँ। आई really I'm not career minded and I want to look after my children. And mera kehna har roz hai ki the biggest equality is for women to have the choice. Of course. The choice they make can be anything. And I think it jaise aapne kaha agar aapka aise circumstances hai jo aap stay home ho sakti hai aur aapko karna hai, that's fine. Then you have people who want to be a career person, that's fine. And then people like me who actually want to do both. So that's also fine. So you have to do what works for you and it's exactly. Nice to hear somebody very proudly say that they just want to be a homemaker at home and that's a huge job. It's a huge job. Absolutely not interested in working. I want to be looked after. I want my husband to look after me. I want everyone to look after me and when my children grow up, they must look after me. Aapke koi tips hai naye mothers ke liye, naye parents ke liye aap kuch kehna chahenge? Maine dekha hai ki whatever comes to you naturally वही करना होता है। बिल्कुल। किसी लोगों के पास हेल्प है, किसी लोगों के पास हेल्प नहीं है, मगर जिन लोगों के पास हेल्प है उनको तभी भी अपने बच्चों के साथ बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि बच्चों को पता चलता है माँ कौन है और हेल्प कौन है। Absolutely. और यू मस्ट होल्ड योर चिल्ड्रन, यू मस्ट लव योर चिल्ड्रन, यू मस्ट गिव द लिटिल बेबीज लॉट्स ऑफ कडल्स एंड किसेस बिकॉज दिस इज व्हाट गिव्स देम सिक्योरिटी, यू नो। एंड एज लॉन्ग एज यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। एंड इफ यू फील देयर आर एनी प्रॉब्लम्स,
excellent pediatricians. Get in touch with them and they will help you every step of the way. और शाहजू, आपके हस्बैंड रुस्तम तो बहुत ही इन्वॉल्व डैडी है, काम भी बहुत करते हैं. सो हाउ डज ही मैनेज टू स्पेंड टाइम विद बेबी सोफिया? एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को फर्स्ट बाथ दिया था. मैंने भी नहीं, एक महीने के बाद मैंने उसको बाथ दिया था. मेरे हस्बैंड ने इसका डायपर फर्स्ट चेंज किया था. रियली? यस, ही इज एज into this whole thing as I am and it's just super. I have a very supportive family. They let me do what I want to do. So I choose to do this. I'm lucky that I can do this. Yeah. Yes. So on that note, thank you so much Shaz. और आपके लिए और सोफिया के लिए एक छोटा सा तोहफा, एक छोटा सा जॉनसन्स बेबी सेट. थैंक यू. नथिंग लाइक अ जॉनसन्स बेबी. थैंक यू. अगले एपिसोड में बच्चे जाएंगे डैडी के ऑफिस. देखेंगे काय को स्पोर्ट्स डे पर. मेरा काम और खास दोस्तों से मुलाकात. एवरी मॉर्निंग जब मेरा बेटा सिंग मामा गेट अप एंड दैट्स जस्ट द बेस्ट, द वॉइस, द साउंड, द हिज फेस, जस्ट अमेजिंग.